चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। शाम होते ही जयंत के माँ पापा रिश्तेदार के घर घूम के वापस आ गए और यूएस से जयंत की कोई दोस्त आई है। ये जान के उनको खुशी तो हुई, पर उनके मन में ये शंका जरूर आ गया था कि यूएस से एक अकेली लड़की जयंत से मिलने क्यों आई है। फिर दो दिन बाद जैस्मिन, क्या बना रही है इतनी सुबह सुबह? तुझे बोला है ना आराम करने के लिए, फिर तू किचन में क्यों आई है? माँ जी, मैं और कितना आराम करूंगी, घर में मेहमान आई हुई है ना, उनकी खातिरदारी के लिए कुछ अच्छा खाना बना रही हूँ बस। पागल हो गई है तू जैस्मिन, इतनी भोली मत बन। ये एक लड़की है जो इतनी दूर अमेरिका से आई है तेरे पति से मिलने। हाँ पता है मुझे माँ जी। अरे पागल लड़की, तुझे ये सब कुछ इधर उधर नहीं लग रहा? जब से वो लड़की आई है तब से जयंत खोया खोया सा रहता है और दोनों को बहुत बार देखा है मैंने छुप छुप के बात करते हुए। अच्छा हाँ माँ जी, ये दोस्त है ना, होगी कोई सीक्रेट बात? बंद कर अपना दिमाग लगाना मेरी मान, और तू अभी जाकर इस लड़की को बोल कि वो यहाँ से चली जाए। मैं? हाँ तू, तेरे पति पे डोरे डाल रही है वो, मेरे पति पे नहीं, जो मैं जाकर बोलूंगी। जा, जयंत बाजार गया है, उसके आने से पहले इसे भगा दे यहाँ से, नहीं तो बाद में कुछ इधर उधर हुआ तो मेरे पास रोते हुए मत आना, गधी कहेंगे। मैं जानती हूँ माँ जी, पर पापा जी दिल की मरीज हैं, इसीलिए मैं आपके सामने ये कुछ भी नहीं बता पा रही। जयंत का जरूर इस लड़की के साथ कुछ ऐसा संबंध था जो अब किसी के सामने बता पाना मुश्किल है दोनों के लिए। ये भी पता है मुझे कि दोनों हमेशा छुप छुप के बातें करते रहते हैं, और जब से ये लड़की यहाँ पे आई है तब से जयंत मुझे भूल सा गए हैं। आप सही बोल रही हैं माँ जी, अगर मैं खुद इस सब में ना घुसूं तो बाद में मुझे ही झेलना पड़ेगा। वैसे मुझे यहाँ पे रहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे देखने के बाद जयंत धीरे धीरे पहले जैसे बन गया है, वही केयर, वही प्यार भरी बातें, मन नहीं करता उसे छोड़ के चली जाऊं यहाँ से। पर मुझसे इतना प्यार होने के बाद भी जयंत ने किसी और से शादी क्यों की? खैर अब तो वो शादीशुदा है, मुझे अब उसे भुला देना चाहिए। सूची, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना जैस्मिन, क्या बात है? तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जयंत के साथ मेरा एक हंसी खुशी भरा दुनिया बसा चुकी हूँ। हाँ पता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच ऐसा कोई भी आ जाए जिसके वजह से मेरे पति मुझे इग्नोर करने लगे और जो जगह मेरी है वो उसे दे दे। नहीं जैस्मिन, ऐसा तो ऐसा ही है, मुझे यकीन है कि तुम दोनों के बीच यूएस में कुछ ऐसा हुआ था जो अब किसी को बता पाना मुश्किल है, और मुझे वो सब जानना भी नहीं है। ये बात भी है कि तुम्हारे आ जाने के बाद मेरे पति खोए खोए से रहते हैं, उन्हें मेरे साथ बात करने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि सारा वक्त तो तुम छीन लेती हो ना। तुम क्या कहना चाहती हो जैस्मिन? दो दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, हमारे यहाँ पे मेहमान ज्यादा दिन तक नहीं रुकते, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। पर मैं ऐसे अचानक से? जाकर किसी होटल में रुको, पर यहाँ पे मैं और एक मिनट भी तुम्हें रहने नहीं दूंगी। मेरे पति बस मेरे हैं और किसी के भी साथ मैं उन्हें बांट नहीं सकती। सूची आगे और कुछ बोल पाती जैस्मिन उसे बातों का तीर मार के वहां से भगा देने की पूरी कोशिश कर चुकी थी। हाँ मैं चली जाऊंगी, पर मुझे आखिरी बार जयंत से मिलना है, उसके बाद चली जाऊंगी मैं यहाँ से। वो तुमसे मिलना नहीं चाहते, उन्होंने मुझे बोला है कि उनके गैर हाजिरी में मुझे तुम्हें यहाँ से निकाल देना होगा, क्योंकि उनको सामने देख के तुम यहाँ से जाना ही नहीं चाहोगी। क्या जयंत ने ऐसा कहा? तो ठीक है, मैं अभी चली जाऊंगी। सूची बिना देर किए
अपना सामान उठाई और चुपचाप जयंत के घर से निकल आई। ये क्या हो गया, इतनी दूर जयंत से मिलने आई थी, उसका एड्रेस निकाल के घर तक पहुंची उससे मेरे सवालों के जवाब पाने के लिए, पर उसकी पत्नी मुझे घर से भगा दी। और तो और जयंत ने उसे बोला है ऐसे करने के लिए। पता नहीं इतना इंसल्ट होने के लिए मैं क्यों आई थी यहाँ पे। अब मैं सीधा US चली जाऊंगी। I'm fed up of this relationship। आ गए आप? चलिए मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, माँ पापा भी कब से वेट कर रहे हैं आपका। अच्छा ठीक है, पर सुनो मैंने फिश ले आया है, सूची के लिए फ्राई कर देना, उसे बहुत पसंद है। सूची? क्या आपको नहीं पता, उसने कुछ बताया नहीं आपको? कौन सी बात? सूची तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? कोई लड़का आया था उसे लेने के लिए यहाँ पे, मैंने पूछा तो बोली कि इस लड़के के साथ उसकी आगे की लाइफ जुड़ी हुई है। फिर मैं आगे और कुछ पूछ पाती वो अपना सारा सामान लिए उसके साथ निकल पड़ी और बोली कि जयंत को मेरा एक मैसेज दे देना। कौन सा मैसेज? यही कि वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के साथ बहुत खुश रहे। सूची ऐसे अचानक से हमारे घर से चली क्यों गई? पर वो तो आई थी ये जानने के लिए कि मैं उससे क्यों शादी नहीं कर पाया, और वो इंडिया आते ही अपना एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर चुकी है और यहाँ पे आकर रोना धोना करके नाटक कर रही थी। खैर, बहुत अच्छा किया तूने, ऐसे ही अपना घर, पति और बच्चों को अपना बनाए रखना, नहीं तो ये परदेशी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। इनका क्या, डिवोर्स दे देकर 3-4 शादी तो बिना झिझक के कर ही लेती हैं। फिर क्या समझेंगी ये किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का बाप। मुझे माफ करना सूची, तुम्हें झूठ बोल के यहाँ से निकालना पड़ा। भगवान करे तुम्हें लाइफ में वो सारी खुशियां मिले जो मेरे वजह से तुमसे छीन गया है। सुन रहे हैं, सूची वापस आ रही है, जयंत से मिल ली वो, और क्या बोल रही थी पता है आपको, कि आइंदा वो कभी भी जयंत की शक्ल देखना नहीं चाहती। इसका मतलब हमारा काम हो गया, सूची मेंटली स्ट्रांग होकर वापस US आ रही है, अब लगता है हम हमारी बेटी को पहले की तरह खुश देख पाएंगे। खुश? कैसे खुश हो पाऊंगी मैं अब, जयंत का धोखा, फिर उसके घर में उसकी पत्नी, बच्चा, ये सब बर्दाश्त करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है। पता नहीं क्यों इंडिया आई थी मैं, अगर आई भी तो उस जयंत के घर तक क्यों गई। विवेक को अच्छी तरह से पता था कि जयंत की शादी हो चुकी है, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, नहीं तो मैं वहां तक हरगिज नहीं जाती। बताया तो था मैंने कि जयंत के घर पे जाकर उससे मिलना सही नहीं होगा, मत जाओ वहां पे, पर तुम उस वक्त किसी की कहां सुनने वाली थी। विवेक, तुम यहां एयरपोर्ट में? पहले तुम बताओ कि अब तुम्हारा प्लान क्या है। जयंत के घर से आकर यहीं पर बैठी हूँ, पर US का फ्लाइट 2 दिन लेट है, पता नहीं 2 दिनों तक क्या करूंगी यहाँ पे। और तुम कहाँ जा रहे हो? सूची एक काम करो, वैसे भी तुम्हारे पास अभी 2 दिन है वापस जाने के लिए, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे कजिन की शादी अटेंड करने चलो। इंडिया आने के बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस एकदम खराब रहा है, एटलीस्ट वापस जाने से पहले तुम्हारा इंडिया ट्रिप थोड़ा यादगार बनाते हैं, क्यों? पर मैं ऐसे अचानक से शादी में? ज्यादा कुछ सोचे बिना मेरे साथ उत्तराखंड चलो, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। उत्तराखंड? सुना है वहाँ से हिमालय भी दिखता है। और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।